जय सो स्टूडेंट, आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लो पढ़ा है उसी पे बेस में आप लोगों के सामने एक करने वाला हूं और ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है आज इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन मतलब कि रॉकेट किस तरीके से प्रपकेट करता है उसको कहां से वो एनर्जी मिलती है भाई डेफिनेटली अगर हम मोटर बाइक या कार की बात करें वो तो रोड पे ट्रैवल करती है जो व्हील का रोटेशन है वो उसको मूव करने में हेल्प करता है बट रॉकेट के पास ऐसा क्या है कि उसको फोर्स मिलता है वो अपनी कैसे स्पीड बढ़ाता है उसे कहाँ से वेलोसिटी मिलती है ये आज हम सीखने वाले हैं ठीक है सो इसके लिए लस्ट्रेशन के लिए मैंने सिंपली इस एक्टिविटी में सबसे पहले एक बलून लिया है मेरे पास एक स्ट्रो है और इसके अंदर से मैंने एक थ्रेड को पास किया हुआ है सो क्लियरली आप देख सकते हो एक स्ट्रो जिसके अंदर थ्रेड है और मेरे पास बलून है एंड सिंपली मैंने टेप ले रखी है और बस यही चीज हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इस एक्टिविटी को करने के लिए सो आई एम स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी आप देखना किस तरीके से हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस बलून के अंदर थोड़ी सी हवा डालता हूँ आई थिंक इतना बहुत होगा इतना इनफ होगा अब एक्चुअली आप सोच रहे हो इस बलून से रॉकेट प्रोपल्शन का क्या लेना देना तो इस बलून को मैं बिल्कुल दिखाऊंगा रॉकेट की तरह कैसे इस बलून के अंदर मैंने हवा भरी है अब आपको पता है अगर इसके अंदर से एयर बाहर निकलती है तो क्या होगा नहीं पता दिखाता हूं आपको एक इलस्ट्रेशन से अब करना क्या है मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे इस बलून के ऊपर इस स्ट्रो को किसी तरीके से एडजस्ट करना है तो मैं स्ट्रो को चिपकाने के लिए थोड़ी सी टेप लूंगा टेप जो मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी कट करके रखी है उसकी हेल्प से मैं स्ट्रो को इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ सो आई नीड मोर टेप्स तो मैं थोड़ी सी और टेप लगा देता हूँ थोड़ी सी टेप और लगा देता हूँ यहाँ सो क्लियरली जितनी टेप चाहिए आप भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं तो इस टेप को मैंने क्या किया स्ट्रो को एडजस्ट किया इस टेप की हेल्प से ठीक है अब आप देख सकते हो ये टेप इसके पास अच्छी तरीके से लग गई है अब नेक्स्ट क्या है आप लोगों के सामने इसका इलस्ट्रेशन तो जिस तरीके से रॉकेट ट्रैवल करता है अब ये बलून आपकी तरफ ट्रैवल करता हुआ आएगा आप देखना भी थोड़ी देर में जैसी मैं इसको पीछे से छोड़ूंगा सो वन टू थ्री सो देखा आपने क्लियरली इस इलस्ट्रेशन में आप लोगों को समझ में आया कि हुआ क्या अगर नहीं आया तो मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से दिखाता हूं उसके लिए मुझे एक और बलून को थोड़ा सा हवा से भरना होगा सो मैं दिखाता हूं तो आपने देखा जैसे मैंने बलून के अंदर से एयर को बाहर निकाला आप करके भी देख सकते हो यह बलून आगे जाने की कोशिश करेगा तो जैसे जैसे मैं इसमें से एयर रिलीज करूंगा अगर एयर इस साइड जाती है तो बलून आगे जाता है So, ये एक्शन रिएक्शन ही है बेटा मतलब कि जो इसकी गैशियस पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ उतना ही ये रिएक्शन बलून को देगा और ये बलून आगे की तरफ जाएगा सो so, आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे कर सकते हैं इससे आप समझ सकते हैं व्हाट इज रॉकेट प्रोपल्शन और आई थिंक दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल टू शो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो कीप ऑन वॉचिंग